राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा दत्तात्रेय होसबली जी द्वारा एक वक्तव्य जारी किया है, मैं उस वक्तव्य की जानकारी देने के लिए आपके सामने हूँ। उन्होंने आज 9 अगस्त को एक वक्तव्य के द्वारा बांग्लादेश के परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध तथा वहाँ के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीर चिंता व्यक्त करता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले जैसी क्रूरता असहनीय है। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी घोर निंदा करता है। आगे वो कहते हैं कि बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार से अपेक्षा है कि वह तुरंत सख्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए और पीड़ितों के जान, माल और मान, यानी जो सम्मान है, उसकी रक्षा की समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने विश्व समुदाय और भारत के राजनीतिक दलों को भी अपील की है कि इस गंभीर समय में विश्व समुदाय तथा भारत के सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि बांग्लादेश के प्रताड़न के शिकार बने हिंदू, बौद्ध इत्यादि समुदायों के साथ सभी एकजुट होकर खड़े हो। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि बांग्लादेश की परिस्थिति में एक पड़ोसी मित्र देश के नाते सुयोग्य भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे भारत सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आग्रह करता है कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध आदि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करें। आज ये वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा श्रीमान दत्तात्रेय होसबली जी ने आज इसको दिल्ली में जारी किया है और उन्होंने इस वक्तव्य के द्वारा बांग्लादेश में जो पीड़ित है उनकी जो दुख है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनके सुरक्षा के लिए भारत सरकार और सभी लोगों को अपील की है कि वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें।